हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में LHB कोच की कंप्लीट जानकारी, जो JEE एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम LHB कोच से संबंधित जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स की डिटेल में जानकारी समझेंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि LHB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे LHB जो हमारा है, LHB कोच है, इसका फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश, LHB लिंक हॉफमैन बुश। ये एग्जाम में हमें पूछा जाता है। इसमें जो बोगी यूज की जाती है, ट्रॉली यूज की जाती है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है फिएट का फैब्रिका इटैलिना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो, ये फिएट का फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं इस कोच की लंबाई कितनी होती है। ये कोच की जो लंबाई होती है, लेंथ ओवर बॉडी जो हमारी है, लेंथ ओवर बॉडी यानी लेंथ ओवर हेड स्टॉक भी बोल सकते हैं, हेड स्टॉक से लेके हेड स्टॉक तक की लंबाई किस तरह से होता है, तो मैं आपको आप एक इसका इसका रफ स्केच यहाँ पर बना रहा हूँ। ये हमारा कोच हो गया, तो ये इसका हेड स्टॉक है और यहाँ पर इस तरह से CBC लगे हुआ है। तो अगर हम हेड स्टॉक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे तो ये 23,540 mm होती है। लेकिन अगर हम इस सिरे से यानी CBC के इस एंड से और CBC के ऐसे एंड तक नापेंगे तो ये 24,000 mm यानी 24 मीटर होती है। लेंथ ओवर बॉडी, ओवरऑल विड्थ कितनी होती है इस कोच की, जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है LHB कोच की चौड़ाई, तो इस कोच की जो चौड़ाई होती है 3240 मीटर, 3,240 mm होती है। ये ओवरऑल हर कोच की, LHB कोच की चौड़ाई है। अब हम बात करते हैं ये कोच कितना ऊंचा होता है। तो LHB कोच जो ऊंचा होता है, LHB कोच में बहुत सारे कोच हैं, AC कोच है, नॉन AC कोच है, पेंटी कार हैं, पावर कार हैं, तो इन सब में जो LACC LACCN कोच यानी हमारा LHB एयर कंडीशन 3 टीयर जो कोच है, उसको छोड़कर जो इसकी ऊंचाई होती है 4,039 mm होती है। कितनी? 4,039 mm ऊंचाई होती है। LACCN इस कोच के लिए कितनी होती है? ये होती है 4,250 mm, यानी जो एयर कंडीशन 3 टीयर कोच होता है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। ये ओवरऑल जो कोच है उसकी रेल लेवल से हाइट कितनी होती है? वो 1,320 mm होती है। कोच की मिनिमम हाइट जो है, या कोच या बोगी का जो ट्रॉली है उसका रेल लेवल से ऐसा कंपोनेंट जिसकी मिनिमम हाइट है वो कितनी है? 102 mm होती थी, अब ये घटकर 91 mm कर दी गई है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर पिवट, बोथ सेंटर पिवट यानी दो सेंटर पिवट के बीच में, यानी जो दो ट्रॉलियां होती हैं फीएड बोगी जो दो होती हैं एक कोच के नीचे, उनके जो सेंटर पिवट हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1,490 mm दोनों सेंटर पिवट के बीच की डिस्टेंस दी गई है। 1,490 mm सेंटर पिवट के बीच की डिस्टेंस है। इस कोच में, LHB कोच में किस तरह का ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है? तो यहाँ पर जो ब्रेक सिस्टम है वो एक्सल माउंटेड, जो ब्रेक डिस्क लगाई गई है वो एक्सल माउंटेड है, और ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया गया। ट्विन पाइप एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम LHB कोच में यूज किया जाता है। नंबर ऑफ टॉयलेट्स क्या है? जितने भी कोचेज हैं शताब्दी, खासतौर से शताब्दी कोचेज को छोड़कर, उनमें 3 टॉयलेट का प्रोविजन किया गया। बाकी जितने भी इसके कोचेज हैं, चाहे वो AC हो चाहे नॉन AC हो, उन सब में 4-4 टॉयलेट का प्रोविजन किया गया है। केवल शताब्दी कोच में 3 टॉयलेट का प्रोविजन किया गया है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शताब्दी कोच में कितने टॉयलेट्स दिए गए हैं। तो शताब्दी कोच में 3 टॉयलेट का प्रोविजन किया गया है, एक शताब्दी कोच में 3 टॉयलेट रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें जो व्हील यूज किए जाते हैं
एलएचबी कोच में उनका डाया कितना होता है। तो देखिए एलएचबी कोच का जो व्हील डाया होता है, नया व्हील डाया तो होता है 915 प्लस 4 माइनस 0। प्लस में केवल 4 है और माइनस में 0 है, यानी अगर हम बात करें तो ये हमारा डाया कितना हो जाएगा, 915 से 919 mm का हमारा नया व्हील हो सकता है एलएचबी कोच में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे किस तरह से होगा, तो उसमें अगर ऑप्शन 915 दिया होगा तो हमारा आंसर 915 हो जाएगा, और अगर हमें 915 प्लस 4 माइनस 0 दिया होगा तो हमारा आंसर ये होगा। इसी तरह से आईसीएफ में कितना होता है, आईसीएफ में भी 915 mm का यूज किया जाता है, लेकिन जब हमें प्लस माइनस की बात की जाती है तो वहां पर कितना हो जाएगा, जो तो 915 प्लस 3 करेंगे और माइनस का 0। ऑप्शन में अगर ये होगा तो ये आंसर हो जाएगा, वरना एलएचबी और आईसीएफ में दोनों में ही 915 mm का नया व्हील यूज किया जाता है। लोको में कितना व्हील यूज किया जाता है, तो लोको में 1092 प्लस 5 माइनस 0 का mm का डाया का व्हील यूज किया जाता है। जितने भी वैगन है, कंटेनर वैगन को छोड़ के, सब में 1000 mm का व्हील यूज किया जाता है। कंटेनर वैगन जो भी BLC और BLL वैगन है उसमें 840 का हमारा व्हील यूज किया जाता है। EMU और MEMU में 952 mm का हमारा नया व्हील डाया यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो व्हील है वो किस डाया पर कंडम हो जाते हैं, तो व्हील डायमीटर कंडमनेशन, तो एलएचबी का कंडमनेशन, एलएचबी का नया डाया देखा 915 है, तो एलएचबी में व्हील डाया हमारा 855 पे कंडम हो रहा है और 845 पर कंडम हो रहा है। 855 पे कौन सा व्हील डाया कंडम होगा, जिसकी वेव थिकनेस 14 प्लस 3 माइनस 0 होगी। वेव थिकनेस, जो व्हील में एक वेव पोर्शन दिया जाता है उसकी जो थिकनेस है, अगर वो 14 प्लस 3 माइनस 0 है तो वो 855 पे कंडम हो जाएगा, और उसका वर्कशॉप इशू साइज जो होगा वो 862 होगा, यानी वर्कशॉप से जो व्हील टर्न होके निकलेगा वो कम से कम 862 का होगा, इससे कम डाया का व्हील वर्कशॉप से नहीं निकलेगा। इसी तरह से ऐसा व्हील जिसकी वेव थिकनेस 17 प्लस 3 माइनस 0 है उसको हमें 845 पर कंडम करना है, और वर्कशॉप से वो 857 का डाया, कम से कम का डाया हमें वहां मिलेगा, इससे कम का व्हील डाया वहां से हमें नहीं मिलेगा वर्कशॉप से। अब हम बात करते हैं कि एलएचबी की हमने बात कर ली, अब आईसीएफ में, आईसीएफ में जो हमारा व्हील कंडम होता है वो 825 में होता है। लोको में हमारा व्हील 1016 पे कंडम होता है। जो कंटेनर वैगन को छोड़ के जितने भी वैगन हमारे होते हैं वो उसमें 906, जो हमारा 1000 mm का व्हील था वो 906 पर कंडम हो जाता है। जो 840 जो कंटेनर वैगन में यूज किया जा रहा है वो 780 पर कंडम हो जाता है, और जो मेमो ईएमयू और मेमो कार में जो हमारे व्हील 952 का यूज किया जा रहा है, तो मेमो में तीन तरह की हमारी कार यूज की जाती है, मोटर कार, ट्रेलर कार, ड्राइवर डीपीसी जिसे हम बोलते हैं, डीपीसी ड्राइवर पावर कार। तो ये जो मोटर कार है वो 870 के व्हील पर, अगर उसमें व्हील हो जाता है तो वो कंडम हो जाएगा। ट्रेलर कार में 857 पर हमारा जो व्हील है वो कंडम हो जाएगा, जबकि इनके दोनों के नए डाया कितने के होते हैं, 952 mm के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हील डाया में कितना वेरिएशन हो सकता है सेम एक्सल पर, सेम बोगी में, और सेम कोच या फिर वैगन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेम एक्सल पर, एक ही एक्सल पर जो दो, जैसे ये एक एक्सल है, इस पर दो हमारी व्हील डिस्क लगी हुई है, तो इसके डाया में और इसके डाया में कितना डिफरेंस हो सकता है। तो जितने भी हमारे स्टॉक हैं, रोलिंग स्टॉक हैं, चाहे वो आईसीएफ कोच हो, चाहे एलएचबी कोच हो, चाहे हमारा कोई सा भी वैगन हो, चाहे बीएलसी वैगन हो, बॉक्सन हो, बीसीएनएचएल हो, कोई सा भी वैगन हो, चाहे हमारा मेमू हो, चाहे डेमो हो, चाहे ईएमयू हो, चाहे कोई भी, चाहे हमारा लोको क्यों ना हो, तो इन सब में सेम एक्सल पर, यानी एक ही एक्सल पर दोनों व्हील में के डाया में 0.5 mm का डिफरेंस परमिशिबल है। ऐसा कब है, ये हमारा ड्यूरिंग टायर टर्निंग है, जब उस व्हील की टर्निंग की जाती है उस दौरान 0.5 का परमिशन दिया गया है, लेकिन अगर सर्विस की बात की जाए, रनिंग कंडीशन में इसकी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, ये सेम एक्सेल का हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक बोगी की या एक ट्रॉली की, जिसमें कि हमारे दो एक्सेल लगे होंगे, एक एक्सेल ये है, दूसरा एक्सेल ये है, तो इसमें एक दो डिस्क हो गई और एक दो डिस्क यहाँ पर हो गई, तो इन दोनों के डाया में, इसका डाया और इसके डाया में कितने एमएम का डिफरेंस हो सकता है। तो ये अगर हमारा आईसीएफ या एलएचबी कोच या ईएमयू और या मेमू है, तो यहाँ इन इन सभी के केस में 5 mm तक का वेरिएशन हो सकता है एक ही
बोगी के दो एक्सेल के डायाम है, यानी व्हील डायमीटर वेरिएशन ऑन सेम बोगी, एक ही बोगी, सेम बोगी में के डाया में कितने का आंसर हो सकता है। अगर यही लोको की बोगी होगी तो वहां पर 3.2 mm का हो सकता है, और यही अगर वैगन में BLC हो, चाहे जितने भी वैगन हो उनमें 13 mm का हो गया। तो हमें मोटा मोटा याद रखना है, लोको में अगर सेम बोगी में व्हील डाया डिफरेंस की बात कर रहा है तो 3.2 हो सकता है। ICF में, LHB में अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर मेमो EMU यानी पैसेंजर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर 5 mm और जितने भी वैगन है उसमें 13 mm का वेरिएशन हो सकता है सेम बोगी या ट्रॉली के लिए। अब हम बात करते हैं कि पूरे कोच की या पूरे वैगन, जिसमें कि हम देखें तो दो बोगियां यूज की जाती हैं, और उन दोनों बोगियों में जो व्हील डायमीटर में डिफरेंस है वो कितने का हो सकता है। तो लोगों के केस में 14.2 का डिफरेंस हो सकता है। क्या डिफरेंस, किसकी बात कर रहे हैं, व्हील डायमीटर वेरिएशन ऑन सेम कोच ऑब्लिक वैगन या फिर लोको। तो लोको की जो एक लोको है, उस एक लोको में अगर दो बोगियां यूज की जा रही हैं, तो उन इस बोगी में जितने भी व्हील हैं और इस बोगी में जितने भी व्हील हैं, उनके डाया में डिफरेंस जो हो सकता है वो मैक्सिमम 14.2 का हो सकता है लोको में। और यही अगर हमारा ICF, LHB या EMU या मेमू है, तो इसमें 13 mm का डिफरेंस हमारा परमिशिबल है, और वैगन में ये हमारा 25 mm का डिफरेंस परमिशिबल है। तो अगर हम बेसिकली बात करें तो हमने इन तीनों केसेस को किस तरह से याद रख सकते हैं, तो पहले वाले केस का आंसर हो गया 0.5 यानी सेम एक्सेल पर, दूसरे वाले में 3.2, 5 mm और 13 mm। 3.2 लोगों के लिए हो गया, 5 mm हमारा कोचिंग के लिए हो गया, और ये वैगन के लिए हो गया, और यहाँ पर हो गया 14.2 लोगों के लिए, और ये हो गया हमारा 13 mm कोचिंग के लिए, और 25 mm हो गया हमारा वैगन के लिए। तो ये हमें पैरामीटर याद रखने हैं, हमारे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें बोगी यूज की जाती है, फिएट बोगी, फिएट बोगी की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है। तो फिएट बोगी का जो व्हील बेस होता है वो 2560 होता है। यही अगर हमारा कैसना बोगी की बात करें, जो कि वैगन में यूज की जाती है, तो उसका व्हील बेस जो होता है वो 2000 mm का होता है। और ये अगर अगर हम इसी को ICF ट्रॉली की बात करें, तो 2896 mm का व्हील बेस हमारा ICF ट्रॉली के लिए होता है। फिएट बोगी की जो विड्थ होती है 30-30 होती है। फिएट बोगी की जो लेंथ है वो 35-34 mm होती है। फिएट बोगी का जो वेट है वो 6.3 टन यानी 6300 किलोग्राम होता है। यही अगर हम ICF में बात करें, तो ICF में दो तरह की बोगी का प्रोविजन किया गया है, एक होती है हमारी AC के लिए बोगी और एक होती है नॉन AC के लिए बोगी। तो AC की जो बोगी होती है वो 16 टन के लिए एक्सल लोड होता है, और नॉन AC की जो होती है वो 13 टन का एक्सल लोड होता है। तो 16 टन के एक्सल लोड वाली जो ट्रॉली है, इसका वेट जो होता है वो 6.2 टन होता है, जबकि LHB में ये 6.3 टन है। 13 टन एक्सल लोड वाली जो है उसकी ट्रॉली का जो वेट है वो 5.9 टन होता है। तो हमने ये ट्रॉली के वेट देख लिए। अब हम बात करते हैं जो ये ट्रॉली है ये देखने में कैसी होती है, इसको हम देखते हैं। ये देखिए, आप ये ट्रॉली देख पा रहे हैं, ये हमारी फिएट बोगी है जो LHB में यूज की जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक्सल दिखाई गई है, और ये उसकी दो डिस्क लगी हुई है, एक एक्सल पर दो ब्रेक डिस्क लगी है, यानी डिस्क ब्रेक सिस्टम का। ये हमारी इसकी व्हील डिस्क लगी हुई है ये। अब यहाँ पर देखिए, ये फिएट बोगी है, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में देखिए किस तरह से सामने से हम इस तरह से देखेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं ब्रेक डिस्क है, ये व्हील डिस्क है हमारी, ये ऊपर जो देख पा रहे हैं ये हमारा बोलिस्टर है, ये बोलिस्टर हो गया, ये साइड, इसका साइड फ्रेम हो गया, ये दूसरा साइड फ्रेम हो गया। ये वाला सिस्टम जो है, अब ये जो आप ये ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, ये देखिए अभी रेड दिख रही है, अभी ब्लू कलर, ये जो हमारा है ये सेकेंडरी सस्पेंशन कहलाता है। जो बोलिस्टर के नीचे सस्पेंशन दिया जाता है वो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है, और यहाँ पर ये जो दिया जाता है एक्सेल पर जो सस्पेंशन होता है, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन होता है। तो अब आप देखिए, मैं यहाँ पे प्राइमरी सस्पेंशन में क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक ये ब्लू कलर और उसके अंदर की येलो कलर, ये दो यहाँ पर स्प्रिंग यूज की गई हैं। तो ये दो प्राइमरी सस्पेंशन, एक एक्सेल पर अगर हम देखें तो दो प्राइमरी स्प्रिंग इधर, एक प्राइमरी स्प्रिंग, एक प्राइमरी इनर स्प्रिंग और एक प्राइमरी आउटर स्प्रिंग इधर है, और सेम इसके अपोजिट साइड में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एक ट्रॉली में टोटल चार
चार हमारी प्राइमरी स्प्रिंग लगाई गई हैं, प्राइमरी इनर स्प्रिंग लगाई गई हैं, 1 2 3 4, और चार ही हमारी प्राइमरी आउटर स्प्रिंग लगाई गई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप ये जो पोर्शन है ये देख पा रहे हैं, ये जो कि हमारा प्राइमरी सस्पेंशन यूज हो रहा है और ये वर्टिकल है, तो ये हमारा वर्टिकल डैम्पर लगा हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, ये चार प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर लगे हैं, एक प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर ये है और एक ये है, इसी तरह से दो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये चार हमारे हो जाएंगे प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी हम अपने वीडियो में आगे भी देखेंगे। तो चार प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है, ये आप एक देख पा रहे हैं, ये हमारा सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी सस्पेंशन है, तो सेकेंडरी सस्पेंशन में एक वर्टिकल डैम्पर ये लगा हुआ और एक इसके उधर हो जाएगा, तो दो वर्टिकल सेकेंडरी सस्पेंशन लगे हुआ है, जिसे दो वर्टिकल डैम्पर लगे हुआ है। कौन से हैं ये? सेकेंडरी सेकेंडरी वर्टिकल डैम्परों की संख्या कितनी है? दो। प्राइमरी वर्टिकल डैम्परों की संख्या है चार, और ये जो पोर्शन दिया गया है यहाँ पर हमारा एक यो डैम्पर कनेक्ट होता है, जो बोगी को ट्रॉली से, यानी कोच बॉडी जो है उसको ट्रॉली से कनेक्ट करने में काम आता है, यो मोशन को कंट्रोल करने के लिए यो डैम्पर का प्रोविजन किया गया। तो एक ट्रॉली में हमारे दो यो डैम्पर लगाए गए हैं, एक इधर और एक इसके अपोजिट साइड में, और एक यहां पर हम देखते हैं एक लेटरल डैम्पर का भी प्रोविजन किया गया है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, तो यहां पर देखिए एक जो हमारा लेटरल डैम्पर होता है वो इस तरह से लगा होता है, एक लेटरल डैम्पर लगा होता है, यानी एक ट्रॉली में एक लेटरल डैम्पर लगा होता है। तो टोटल कितने डैम्पर लगे हुए हैं? टोटल हमारे एक ट्रॉली में 9 डैम्पर लगाए गए हैं एक ट्रॉली में, और अगर हम पूरे कोच की बात करें तो पूरे कोच में 18 डैम्पर लगाए गए हैं। इनकी पार्ट की बात कर रहा था, तो पैर पार्ट्स मैंने बताया, ये हमारी सेकेंडरी सस्पेंशन की आउटर कॉइल है, उसके अंदर इनर कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हो गया, इसी तरह से प्राइमरी डैम्पर हो गया, यहाँ पे कंट्रोल आर्म दी गई है, ये साइड फ्रेम हो गया, यहाँ पर हमारा यो डैम्पर हो जाएगा, ये बोलिस्टर का डोम हो जाएगा, यहाँ पर हमारी ब्रेक कैलिपर यूनिट दिखा देता हूँ, ये हमारे ब्रेक कैलिपर यूनिट है, इसमें यहाँ पर हमारे ब्रेक ब्रेक पैड लगे हुए हैं, ये हमारी ब्रेक डिस्क है। ब्रेक डिस्क को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, देखिए ये आप ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं, तो ये इसमें फिन्स लगाए गए हैं, ये ब्रेक डिस्क में क्या लगाए हैं? फिन्स लगाए गए हैं। एक ब्रेक डिस्क में ये कंटिन्यूसली दो से ज्यादा ब्रोकन नहीं होने चाहिए, अगर दो से ज्यादा ब्रोकन होते हैं तो वो ब्रेक डिस्क हमें कंडम करनी होगी, एक साथ की बात कर रहा हूँ। अल्टरनेट वे में हमारे चार से ज्यादा फिन्स ब्रोकन नहीं होने चाहिए, इनका पर्पज क्यों ये फिन्स प्रोवाइड कराए गए हैं? तो ब्रेक डिस्क हमारी क्या करती है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी ब्रेक एप्लीकेशन के काम आती है। तो ब्रेक एप्लीकेशन में काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो हीट किस तरह से एनवायरनमेंट में डिसिपेट होगी, तो उसके लिए फिन्स लगाए गए हैं। ब्रेक डिस्क बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, अगर ब्रेक डिस्क ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो इसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे, तो हमें ब्रेक डिस्क को कंटिन्यूसली या फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसमें फिन्स का प्रोविजन किया गया है। तो ये जो फिन्स हैं ये लगातार दो या दो से अधिक नहीं, दो से ज़्यादा नहीं टूटे होने चाहिए, अल्टरनेट वे में चार से ज़्यादा नहीं टूटे होने चाहिए। जैसे एक ये टूटा है, उसके बाद ये सही है, ये सही है, ये टूटा हुआ है, फिर ये सही है, ये सही है, ये टूटा हुआ है, तो इस तरह से तो परमिशन दी गई है, लेकिन चार फिन्स नहीं टूटे हुए होने चाहिए किसी भी हालत में, और लगातार तो दो से ज़्यादा नहीं टूटे हुए होने चाहिए। यहाँ पर इस बोगी में एंटी रोल बार कोच जो है वो हमारा कोच के रोलिंग मोशन को कंट्रोल करने, ये आप बीच में देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्शन सेंटर दिया गया है, ये ट्रैक्शन सेंटर यहाँ पर दिया गया है, ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से, ये एंटी रोल बार लगाई गई है, ये जो पिंक कलर से आप देख पा रहे हैं, ये ब्रेक कैलिपर यूनिट लगाई गई है, और इसी में ब्रेक सिलेंडर, ये बीच में आप देख पा रहे हैं, ये हमारा ब्रेक सिलेंडर लगाया गया है। तो एक ट्रॉली में, एक फीएट बोगी में हमारे चार ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, चार ब्रेक कैलिपर यूनिट लगाई गई हैं, दो एंटी रोल वाल लगाए गए हैं, एक ट्रैक्शन सेंटर बनाया गया है, 9 टोटल डैम्पर लगाए गए हैं, यहां पर
कुछ क्लियरेंस भी दे गए हैं, सेकेंडरी बम्प स्टॉप क्लियरेंस, प्राइमरी बम्प स्टॉप क्लियरेंस, लेटरल बम्प स्टॉप क्लियरेंस, तो इनको भी हम डिटेल में अभी आगे देखते हैं। देखिए व्हील गेज क्या होता है, LHB बोगी का जो व्हील गेज होता है वो 1600 प्लस 2 माइनस 1 होता है। व्हील गेज है क्या, जो इसमें हमारी व्हील डिस्क लगाई गई है, इसके जो इनर फेस दिए गए हैं, ये इनर फेस है और इसका इनर फेस देखिए ये इधर वाला फेस, इन दोनों फेस इनर फेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे व्हील गेज का नाम दिया गया है। तो LHB बोगी में के लिए ये कितना, तो देखिए LHB का जो फीएट बोगी है इसका व्हील गेज कितना होता है, 1600 प्लस माइनस 1। ये कब होता है, अगर हमारी व्हील डिस्क जो है वो नई है, और अगर हम यही सर्विस की बात करें तो सर्विस में 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm का हमारा व्हील गेज होता है। ये किसके लिए है, ये हमारा LHB कोच के लिए व्हील गेज की बात की गई है। इसी तरह से अगर हम वैगन में भी बात करते हैं तो वैगन में भी हमारा व्हील गेज जो होता है वो 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm का व्हील गेज हमारा वैगन के में होता है। और अगर हम कोचिंग में बात करें ICF की, तो 1600 प्लस 1 माइनस 1 ये हमारा ICF के लिए व्हील गेज होता है। LHB में जबकि दो व्हील गेज बनाए गए हैं, नए के लिए हमारा 1600 प्लस माइनस 1 है और सर्विस में 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm का व्हील गेज बनाया गया है। LHB का जो व्हील होता है इसकी जो फ्लैंज की थिकनेस होती है वो नई कितनी होती है, 28.5 mm की हमारी फ्लैंज थिकनेस होती है। इसमें WWP का प्रोविजन किया गया है, तो इसकी जो इंटरमीडिएट प्रोफाइल होगी या प्रोफाइल की फ्लैंज की थिकनेस होगी वो 20 mm से लेकर 28 mm तक हमारी हो सकती है। फ्लैट प्लेसेस की बात करें, जैसे हम फ्लैट टायर भी कह सकते हैं, तो LHB में फ्लैट टायर 45 mm का परमिशन दिया गया है। 45 mm से ज़्यादा अगर होता है तो उसको हमें ब्रेक डिस्क को कंडम करना है। और ICF में 50 mm का फ्लैट टायर और वैगन में 60 mm का फ्लैट टायर हमारा जो है वो कंडमनेशन की लिमिट है। ब्रेक डिस्क का साइज, जो अभी हमने देखा कि इसमें एक ब्रेक डिस्क लगाई गई है, उनका ब्रेक डाया, उस ब्रेक डिस्क का डाया कितना होता है, उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो ब्रेक डिस्क का जो डाया है वो 640 mm होता है जबकि उसकी थिकनेस 110 mm की होती है। ये थिकनेस जो है, अब चूंकि हमने ब्रेक डिस्क को देखा, ब्रेक डिस्क इस तरह से है, यहाँ पर फिन लगाए गए हैं, तो इसकी जो थिकनेस है, यहाँ पर ब्रेक पैड लगे हुए हैं दोनों तरफ से, तो ब्रेक पैड क्या होगा, इस ब्रेक डिस्क की इस सरफेस को घिसने का काम करेगा। जब ये ब्रेक डिस्क घिसेगी तो इसकी क्या होगी, ये मोटाई कम होगी। ये मोटाई घिसकर अगर 96 mm से कम या 96 हो जाती है तो उस ब्रेक डिस्क को हमें कंडम कर देना है। तो अगर हम देखें तो 110 से 96 में 14 mm का डिफरेंस, यानी एक तरफ से 7 mm का बियर हमें परमिशन दिया गया है। बियर इन थिकनेस कितनी है, 7 mm की बियर हमें परमिशन है वन साइड से, और दोनों साइड का मिला के 14 mm। 14 mm से ज़्यादा का अगर बियर होता है तो ब्रेक डिस्क हमारी कंडम हो जाएगी। ब्रेक डिस्क का डायमीटर 640 mm। ब्रेक डिस्क ये किसकी बनी होती है, ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक डिस्क किस मटेरियल की बनी होती है, तो वो है ग्रे कास्ट आयरन। ब्रेक डिस्क दो प्रकार की होती है, दो कंपनियां इसको बनाती है, एक नॉर कंपनी है और एक हमारी सैब बैबको कंपनी है। नॉर कंपनी की जो ब्रेक डिस्क है इसकी पहचान के लिए क्या है, ये सेंटर हो गया, यहाँ पर इसमें टाइट करने के लिए 9 बोल्ट का प्रोविजन किया गया है। अगर ये बोल्ट की संख्या जो है 9 है तो ये हमारा सैब बैबको की ब्रेक डिस्क होगी, और अगर यही संख्या हमारी 12 है तो ये हमारा नॉर मेक ब्रेक डिस्क होगी। तो 12 वोल्ट होने पर नॉर मेक की होगी और 9 वोल्ट होने पर सैब एबको की हमारी ब्रेक डिस्क होगी। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो फिन्स लगाए गए हैं वो किस लिए लगाए गए हैं, वेट को कम करने के लिए और हीट एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए, यानी ब्रेक डिस्क को ठंडा करने के लिए, कूलिंग पर्पज के लिए हमारे इसमें फिन्स का प्रोविजन किया गया है। फिन्स के हिसाब से हम ब्रेक डिस्क को कब रिजेक्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा अगर हमारे फिन्स ब्रोकन होते हैं तो उस कंटिन्यूस में, तो उस ब्रेक डिस्क को हमें कंडम कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, और लगातार 4 टोटल 4 से ज़्यादा ब्रेक डिस्क फिन्स हमारे ब्रोकन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड के बीच में कितने का गैप परमिशेबल है। अगर हमारा ऑप्शन में 1.0 से 1.5 दिया गया है तो ऑप्शन ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, और केवल हमें आंसर इस तरह से दिया गया है, ऑप्शन 1.5 दिया गया है तो यही हमारा आंसर होगा। 1.5 मैक्सिमम गैप की बात की गई है, जबकि इसकी रेंज 1 से लेकर 1.5। ऑप्शन में अगर हमारा 1.5 दिया गया है तो हमें इसी को टिक करना है, 1 को टिक नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर रेंज दी गई है तो 1.0 से 1.5 होगा। डिस्टेंस बिटवीन बोथ डिस्क, एक एक्सेल पर जो दो डिस्क लगाई गई है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये हमारी 1030 mm की इनके बीच की डिस्टेंस है दोनों ब्रेक डिस्क के बीच की। और ब्रेक इस ब्रेक डिस्क की व्हील डिस्क से कितनी डिस्टेंस है, तो ये हमारी 175 mm है। तो देखिए 130 यहाँ हो गया, 175 यहाँ हो गया और 175 इस साइड हो गया। देखिए ये गैपिंग हमारी हो गई ब्रेक डिस्क के बीच की, 135। अब ब्रेक डिस्क भी हमारी कुछ मोटी है, तो ब्रेक डिस्क हमने देखा कितनी मोटाई होती है, 110 mm की होती है, तो दो ब्रेक डिस्क हैं तो इनका डबल हो जाएगा, यानी
110 और ऐड कर देंगे, तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 1600 mm आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील, इनर व्हील ये क्या है, तो इनर व्हील का मतलब है ये एक ट्रॉली के 2 एक्सेल और इस ट्रॉली के 2 एक्सेल, इन दोनों इनर व्हील इनर एक्सेल के बीच की डिस्टेंस 1 2 3 4 0 mm होती है, यानी 4 0 mm। इसको याद करने के लिए 1 2 3 4 5 याद कर सकते हैं। एक्सेल का इसमें जो एक्सेल यूज किया जा रहा है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 153 mm होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेक सिलेंडर के डायमीटर की। तो LHB में अभी हमने देखा फीएट बोगी में एक एक ट्रॉली पर 4 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए थे, तो इनका जो डाया होता है वो 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर हमारा यूज किया गया है, यानी 255 mm होता है। और यही अगर हम बात करें तो ICF में 8 इंच का ब्रेक सिलेंडर होता है और एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। इनकी संख्या एक ट्रॉली के लिए कितनी है, 4, और इनकी संख्या एक ट्रॉली की कितनी है, 2। BMBS में भी 2 प्रकार के ब्रेक सिलेंडर जो वैगन में यूज किए जाते हैं, 10 इंची और ब्रेक 11 इंची। 10 इंच का ब्रेक सिलेंडर नॉर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 11 इंची का ब्रेक सिलेंडर एस्कॉर्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एक बोगी में एक ब्रेक सिलेंडर का प्रोविजन किया गया है, यानी पूरे कोच में 2 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं, पूरे वैगन में, सॉरी कोच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वैगन की बात हो रही है, BMBS वैगन, तो पूरे BMBS वैगन में 2 ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं जो कि ट्रॉली पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर कन्वेंशनल अगर हम वैगन की बात करते हैं तो उसमें केवल पूरे वैगन में एक ही ब्रेक सिलेंडर लगाया जाता था, वो या तो 12 इंची होता था या 14 इंची। 14 इंची हमारा बॉक्स BCN बॉक्स एन इनमें लगाया गया है और 12 इंच का ब्रेक सिलेंडर बॉक्स एन HL BCN HL में लगाया गया है। 12 इंच का ब्रेक सिलेंडर BBZC में भी लगाया गया है और 14 इंची का ब्रेक सिलेंडर BBCM में लगाया गया है। तो ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्लैक एडजस्टर यानी SAB। तो LHB में जो स्लैक एडजस्टिंग मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है वो सिंगल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर का प्रयोग किया गया है। ICF में भी सिंगल एक्टिंग स्लैक एडजस्टिंग का प्रयोग किया गया है, जबकि BMBS वैगन में हमारी इनबिल्ट, तीनों में ही, चाहे LHB हो, चाहे ICF हो, चाहे BMBS वैगन हो, तीनों में ही इनबिल्ट स्लैक एडजस्टर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। लेकिन कोचिंग में हमारी सिंगल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर, जबकि वैगन में हमारी डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर का प्रयोग किया गया है। BMBS वैगन को छोड़ के जो कन्वेंशनल वैगन है उनमें हमारी SAB का प्रोविजन किया गया है। तो SAB हमारी कौन कौन सी, एक 600 DRB 600 का प्रयोग किया जाता है और एक DRB 750 mm का 750 का प्रयोग किया जाता है। 750 जो ऐसे भी है वो बॉक्स NHL BCN HL में प्रयोग किया जाती है और DRB 600 जो हमारी है वो हमारी BCN BCNA बॉक्स एन BOBYN इन सब में हमारी जो DRB 600 SAB का प्रयोग किया जाता है। ICF कोचेज में जो पुराने कोचेज थे उनमें DRB 450 का प्रयोग किया जाता था। ये SAB के टाइप हैं, तो इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्लैक LHB की जो स्लैग कैपेसिटी है कितनी होती है, 160 mm की स्लैग कैपेसिटी होती है। अब हम बात करते हैं पिस्टन स्ट्रोक, ब्रेक सिलेंडर लगे हैं तो इनका पिस्टन स्ट्रोक भी होगा, कितना पिस्टन स्ट्रोक होता है। तो LHB में जो पिस्टन स्ट्रोक है वो 21 mm का होता है, नॉर कंपनी का जो ब्रेक सिलेंडर बनाया गया है, और यही अगर हमारा एफटेल कंपनी का है तो उसका पिस्टन स्ट्रोक हमारा 19 mm का होता है। ICF में पिस्टन स्ट्रोक हमारा 32 mm का है, जो कि किसके लिए है, BMBC बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर के लिए जो पिस्टन स्ट्रोक है वो 32 mm का है। EMU कोच में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है ब्रेक सिलेंडर का वो 60 mm होता है। BMBS वैगन बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वैगन में जो पिस्टन स्ट्रोक है नॉन टाइप में 54 ± 10 mm है, जबकि यही अगर हमारा एस्कॉर्ट का होता है तो एस्कॉर्ट में 55 ± 10 mm एम्प्टी कंडीशन में होगा और 70 ± 10 mm लोडेड कंडीशन में होगा। ये किसके लिए है, एस्कॉर्ट टाइप के ब्रेक सिलेंडर जो BMBS वैगन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन स्ट्रोक वैगन में अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग होते हैं, इसका एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है। तो LHB जो है, LHB में ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर 3.0 ± 1 होता है, और यही अगर हमारा जितने भी BMBS वैगन को छोड़ के जितने भी वैगन होते हैं उसमें एम्प्टी या लोडेड हो 3.8 ± 0.1 kg/m² का प्रेशर जाता है। अब हम बात करते हैं अगर हम वैगन एम्प्टी और लोडेड हो और वैगन हमारा कैसा है, BMBS है, तो BMBS में हम जानते हैं कि APM का प्रोविजन किया गया है। अगर आपने APM के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके APM का वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आप APM के बारे में समझ सकते हैं कि APM कैसे काम करता है, एम्प्टी लोडेड कैसे किस तरह से काम होता है इसमें। तो एम्प्टी कंडीशन में जो प्रेशर होता है BMBS वैगन में वो 2.2 ± 0.25 का होता है और लोडेड कंडीशन में 3.8 ± 0.1 का होता है। ICF कोचिंग में यानी BMBC जो हमारा ब्रेक सिलेंडर है इसमें जो प्रेशर है वो 3.8 ± 0.1 होता है। डबल डेकर कोच में भी 3.8 का हमारा प्रेशर होता है। तो आप देखिए मोटा मोटा अगर हमें याद करना है तो ब्रेक्स
जितने भी ब्रेक सिलेंडर हैं उन सब का प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.1 होता है। अब हमें किसको, इसको छोड़ के किसको याद रखना है, एक तो हमें LHB का याद रखना है क्योंकि LHB में कितना होता है, 3.0 होता है, और यही BMBS वैगन है तो उसमें 2.2 एम्प्टी में और लोडेड में 3.8 होता है। बस हमें इतना याद करना है, बाकी हमारे सारे ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर लगभग सेम ही है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन टाइम। तो देखिए एप्लीकेशन टाइम ICF या LHB जो कोचिंग है या पैसेंजर है उसमें 3 से 5 सेकंड में ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है और वैगन में 18 से 30 सेकंड में ब्रेक एप्लीकेशन होता है। इसी तरह से रिलीज टाइम जो है वो पैसेंजर ट्रेन के लिए 15 से 20 सेकंड में ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए और वैगन में 45 से 60 सेकंड में ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। तो एप्लीकेशन रिलीज टाइम, इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह का एक टेस्ट होता है सेंसिटिविटी टेस्ट। सेंसिटिविटी टेस्ट 0.6 सेकंड में 0.6 kg/cm² का प्रेशर जो है वो 6 सेकंड में हमें ड्रॉप करना है, यानी 0.6 kg/cm² का प्रेशर हम ड्रॉप करेंगे इस हिसाब से कि 6 सेकंड में ब्रेक एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। अगर ब्रेक एप्लीकेशन हो जाते हैं तो DB जो है वो हमारा सेंसिटिविटी टेस्ट में ओके मिलता है। इसी तरह से अगर हम 0.3 kg का प्रेशर ड्रॉप करें और 60 सेकेंड तक इंतज़ार करें कि हमारा जो है ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होता है इसका मतलब DB हमारा इनसेंसिटिव भी है। इनसेंसिटिव का मतलब हो गया कि इतने प्रेशर अगर लीकेज हो रहा है सिस्टम में तो DB उस प्रेशर ड्रॉप को सेंस नहीं करेगा और ब्रेक एप्लीकेशन नहीं करेगा। तो DB का सेंसिटिव होना भी जरूरी है और इनसेंसिटिव होना भी जरूरी है। अब हम बात करते हैं EBD। EBD क्या होती है, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी अगर ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक लगाता है तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकती है उस डिस्टेंस को कहते हैं EBD, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो LHB में ये 1200 मीटर, 1200 मीटर की ब्रेकिंग डिस्टेंस इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस है। 160 km/h की स्पीड से गाड़ी रन कर रही है। जो सिस्टम पावर जनरेशन है वो एंड ऑन जनरेशन किया गया है। जो फॉर्मेशन है वो 22+2 का फॉर्मेशन यूज किया गया है। तो EBD जो हमारी होगी 1200 होगी। लेकिन यही अगर हमारा सेल्फ जनरेटिंग पावर जनरेशन है और 22+2 का हमारा कार इसका जो ट्रैक फॉर्मेशन है स्पीड 120 km/h की है तो 1200 मीटर यहाँ पर भी हमें मिलेगी। अगर स्पीड हमने ज़्यादा कर रखी है और सेल्फ जनरेटिंग है तो ये EBD भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों ही केसेस में EBD 1200 मीटर फिक्स रख के कितनी स्पीड पर है ये हमें यहाँ पर बताया गया। तो क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा कि LHP कोच में 160 km/h की स्पीड के लिए EBD इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1200 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हैंड ब्रेक एप्लीकेशन कहाँ पर कैसे होगा और किस, एक ट्रॉली पर होगा, एक एक्सल पर होगा, कितने व्हील पर होगा, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए जो LHB है, LHB में हमारा पावर कार कम गार्डमैन होता है और एक लगेज कम गार्डमैन होता है। तो दो तरह के हमारे गार्डमैन हैं, एक पावर कार कम गार्डमैन है और एक लगेज कम गार्डमैन है। तो पावर कम गार्डमैन का जो कोड है LWLRRM होता है, जबकि लगेज कम गार्डमैन का LSLRD होता है। तो इन दोनों ही केस में जो हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया है वो एक, देखिए किस तरह से है, एक फीएड बोगी ये हो गई और एक फीएड बोगी हमारी यहां पर हो गई। तो ये बेसिकली जो कोच है इसको दो पार्ट में बनाया गया है। एक पार्ट हो गया हमारा पावर कार और एक हो गया हमारा गार्ड। पावर कार की जगह हमारा लगेज हो सकता है और गार्ड की जगह गार्ड होगा। तो आधे कंपार्टमेंट तो पावर या लगेज हो जाएगा और आधा कंपार्टमेंट हो जाएगा हमारा गार्ड के लिए। तो जिधर गार्ड गार्ड कंपार्टमेंट है उसके नीचे वाली जो ट्रॉली है, फीएड ट्रॉली है, उसमें दो एक्सल लगी होंगी, आप जानते हैं। अब दो एक्सल हैं तो इसमें हमारी चार ब्रेक सिलेंडर लगे होंगे, चार ब्रेक डिस्क लगी होंगी। तो इसकी जो डायगोनल ब्रेक डिस्क हैं इन पर हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया है। यानी दोनों एक्सल पर ब्रेक एप्लीकेशन होगा बट एक एक ब्रेक डिस्क पर ही होगा। यानी दो ब्रेक डिस्क पर डायगोनली ब्रेक एप्लीकेशन होगा अगर हम हैंड ब्रेक, जिसे हम पावर ब्रेकिंग पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं LHB के लिए। तो डायगोनल होगा ऑन ट्रॉली बिलो गार्ड कंपार्टमेंट, डायगोनली दो ब्रेक सिलेंडर पर जो कि फ्लेक्सिबल केबल से, हैंड ब्रेक केबल को यहाँ पर नाम दिया जाता है फ्लेक्स वॉल केबल। कितनी फ्लेक्स वॉल केबल लगाई जाती हैं, तो चार फ्लेक्स वॉल केबल का प्रोविजन किया गया है LHB के पावर कार या गार्ड कम पावर कार में। कितनी फ्लेक्स वॉल का केबल का यूज किया गया, चार। ठीक है, चार में से दो सेम साइज की होती हैं और दो अलग अलग, यानी तीन साइज की फ्लेक्स वाल केबल का प्रोविजन है। लेकिन टोटल संख्या में हम बात करें तो चार फ्लेक्स वाल केबल यानी हैंड ब्रेक केबल का प्रोविजन किया गया है। हैंड ब्रेक को क्या बोलते हैं LHB में, पार्किंग ब्रेक भी बोलते हैं। कहाँ पर प्रोविजन किया गया है पार्किंग ब्रेक का, पावर कार कम गार्डवैन में, लगेज कम गार्डवैन में प्रोविजन किया गया। जितने भी कोच हैं इसके अलावा जो कोच हैं, पैंट्री कार है, क्या इनमें हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया, नहीं किया गया। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा, हैंड ब्रेक का प्रोविजन LHB कोच में किया जाता है। कहाँ पर, पावर कार में,
लगेज कम पावर कार में, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे तो आप समझ जाएंगे लगेज कम पावर कार में हो सकता है, पावर कार कम गार्ड वैन में हो सकता है। ठीक है, कहाँ पर ब्रेक एप्लीकेशन होगा? डायगोनली होगा, दो ब्रेक सिलेंडर पर होगा, दो ब्रेक डिस्क पर होगा, चार फ्लैक्स फ्लैक्स वॉल केबल का कनेक्शन किया गया। इसी तरह से BVZI ब्रेक वैन में एक ही एक्सेल पर हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया है। BVZC ब्रेक वैन में दोनों एक्सेल पर ब्रेक एप्लीकेशन होगा। BVCM ब्रेक वैन में सभी एक्सेल पर यानी चारों एक्सेल पर, तो BVCM में चारों एक्सेल पर यानी पूरे के पूरे ब्रेक में ब्रेक अप्लाइड हो जाएंगे जब हम हैंड ब्रेक का अप्लाई करेंगे। BM ब्रेक वैन में एक ट्रॉली में होगा यानी दोनों एक्सेल पे हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया है, क्योंकि दो ब्रेक सिलेंडर यूज किया गया, एक हैंड ब्रेक विद हैंड ब्रेक केबल के साथ और एक विदाउट हैंड ब्रेक है। इसके अलावा जितने भी वैगन हैं उन सब में पूरा का पूरा वैगन पर हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया है। ICF में हमारा एक एक्सेल पर जो कि इनर एक्सेल होती है किसी एक ट्रॉली के इनर एक्सेल पर हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि LHB में जो हैंड ब्रेक दिए गए हैं, पार्किंग ब्रेक दिया गया है, उसके लिए हमें किस किस चीज़ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है दूसरे कोच के अलावा? तो हैंड ब्रेक इंडिकेटर रिक्वायरमेंट होती है, दो होते हैं। अगर हमारा नॉर्मल कोच है तो नॉर्मल कोच में हमारे चार ब्रेक इंडिकेटर का प्रयोग किया गया है। चार ब्रेक इंडिकेटर किस तरह से होंगे? एक ब्रेक इंडिकेटर इधर, एक ब्रेक इंडिकेटर इधर, एक बोगी के लिए इधर इधर। अब तो बोगी तो दो हुए हैं, फिर चार ब्रेक इंडिकेटर का प्रयोग क्यों किया गया है? तो ये देखिए, ये दोनों आपस में ब्रेक इंडिकेटर कनेक्टेड है, यानी बोगी वन के लिए ये दो ब्रेक इंडिकेटर दिए गए हैं, एक लेफ्ट साइड मान लीजिए, एक राइट साइड मान लीजिए। इसी तरह से बोगी दूसरे के लिए एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो दोनों बोगी के लिए दो दो इंडिकेटर का प्रयोग किया गया है। अगर पावर कार होगा तो वहाँ पे हैंड ब्रेक के लिए भी दो इंडिकेटर अलग से प्रोवाइड किए जाएंगे। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर में दो कलर का प्रोविजन किया जाता है, एक ग्रीन कलर, इस तरह के एक रेड कलर की सर्किल होती है, उसमें ब्लैक कलर का एक पॉइंट होता है और इसमें कलर होता है। कलर किस तरह का होगा मैं इसमें बता देता हूँ आपका। ग्रीन कलर का प्रोविजन किया जाए, इस तरह ग्रीन कलर का हमें शो हो रहा है, यानी जो हमारा हैंड ब्रेक है वो हमारा, अगर ये हैंड ब्रेक का इंडिकेटर है तो हैंड ब्रेक के बारे में बताएगा, और अगर हमारा नॉर्मल ब्रेक का इंडिकेटर है तो नॉर्मल उसके बारे में बताएगा। अगर यहाँ पर हमें कलर ग्रीन शो हो रहा है तो ब्रेक अप्लाइड नहीं है। अगर ये हमें कलर रेड हो जाता है, अगर ये कलर रेड हो जाएगा तो जो हमारा है हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हैंड ब्रेक या जो हमारा ब्रेक है वो अप्लाइड हो जाएगा, पूरी तरह से ये रेड हो जाएगा, ग्रीन से रेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें चेक वॉल का प्रोविजन किया गया है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एडिशनल इक्विपमेंट हैंड ब्रेक के लिए चेक वॉल लगाया गया, फीड पाइप में लगाया गया, 6 लीटर का एक प्रेशर टैंक लगाया गया। अब आप देखिए कि हैंड ब्रेक का जब प्रोविजन किया गया तो हैंड ब्रेक में क्या होता है, हमारा एक व्हील होता है, व्हील को हम रोटेट कराते हैं, वो ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन को बाहर खींचता है और ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। फिर भी हमें यहाँ पर LHB में एक इंडिकेटर का प्रोविजन किया गया कि हैंड ब्रेक लगा या नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी हमारे ब्रेक इंडिकेटर हैं वो हमारे प्रेशर ऑपरेटेड होते हैं। अगर जैसे ही इनमें प्रेशर जो है वो 0.6 से 6 kg/m² से ज़्यादा होता है, ग्रीन कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ ब्रेक इंडिकेटर हमारे जो हैं वो प्रेशर ऑपरेटेड है। तो हैंड ब्रेक के लिए भी एक इंडिकेटर दिया गया, तो उसके लिए प्रेशर कहाँ से आएगा? जो हैंड ब्रेक का प्रोविजन किया जाता है कि गाड़ी स्टेबल हो, गाड़ी हमारी गाड़ी में कोई प्रेशर ना हो। फिर भी अब गाड़ी में प्रेशर कहाँ से आता है? तो वो पावर से आता है, इंजन से आता है, लोको से आता है। तो लोको तो हमने हटा लिया, इसलिए इसमें पावर कार में या गार्ड वैन में एक 6 लीटर के टैंक का प्रोविजन किया गया है। और इस टैंक का प्रोविजन किस लिए किया गया है? कि जो हैंड ब्रेक इंडिकेटर है उसमें प्रेशर भेजा जा सके, ताकि उसका कलर जो है वो हमें चेंज हो सके। फ्लेक्स वॉल केबल मैंने अभी आपको बताई थी, चार होती हैं, चार, फोर नंबर ऑफ साइज। क्या साइज है? 2197 2197 mm लंबी इसकी संख्या होती है, दो, 2333 इसकी संख्या होती है, एक, 4024 इसकी संख्या होती है, एक। तो टोटल हो गई चार, साइज हो गए तीन। ठीक है, LHB कोच की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है? 160 km/h स्पीड बनाई गई है, और जिसको मैक्सिमम 200 km/h की स्पीड तक ले जाया जा सकता है अपग्रेड करने के बाद। 180 km/h इसकी मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन हम उसको अपग्रेड कर सके 200 km/h तक ले जा सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड 180 km/h है। राइड इंडेक्स कितना होता है? 2.5, 160 km/h की स्पीड पे, लेकिन 2.75 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यही अगर हम बात करें तो ICF में यही हमारा 3.25 से 3.5 mm का राइड इंडेक्स होता है। राइड इंडेक्स की वैल्यू जितनी कम होती है कम्फर्ट उतना ही अच्छा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसका राइड इंडेक्स सबसे कम होता है? LHB, ICF, वैगन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा LHB। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस में पैसेंजर कंफर्ट अच्छा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LHB, क्योंकि जिसका राइड इंडेक्स कम होता है, जितना राइड इंडेक्स कम होता है उतना ही पैसेंजर कम्फर्ट अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें LHB में जो हमारी CTRB या जो भी बियरिंग यूज की जा रही है वो कौन सी यूज की जा रही है? तो LHB में जो हमारी है वो
कैटरेज स्टेपर रोलर बेयरिंग जिसे सीटीआर भी बोला जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। बीवीजेडआई यानी जो आईसीएफ कोच है उसमें हमारी स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। बीवीजेडसी जिसमें जो हमारा ब्रेक है इसमें सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। कैसना बोगी जो भी है उसमें भी हमारी सीटीआरबी का प्रोविजन किया गया है। एलएचबी में जो सीटीआरबी लगाई गई है और वैगन में जो सीटीआरबी लगाई गई है, इन दोनों सीटीआरबी में डिफरेंट है, बट ये टाइप में जरूर सीटीआरबी है लेकिन इनके डिजाइन में, इनके फीचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए हम वैगन की सीटीआरबी को एलएचबी में यूज नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एलएचबी के जो सीटीआरबी है इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो पहले तो दो थे, टिमकन और एसके, बाद में एनईआई एक कंपनी और है। तो एलएचबी में सीटीआरबी के मैन्युफैक्चरर कितने हो गए हैं, वो तीन हो गए हैं, जबकि आईसीएफ में जो हमारी स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज की जा रही थी इसके मैन्युफैक्चरर फैग कंपनी, नॉर्माम और एनईआई एनबीसी इसके निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। वैगन में जो सीटीआरबी यूज की जा रही है वो टिमकन कंपनी बनाती है, फैग कंपनी बनाती है, एफएजी बनाती है, एसकेएफ बनाती है, ब्रैनको, एनबीसी, ये चार कंपनियां जो है वैगन की सीटीआरबी बनाती है। वैगन में दो प्रकार की सीटीआरबी का प्रोविजन किया जाता है। इसके पहले केवल टाइप ई क्लास का प्रोविजन, टाइप ई क्लास सीटीआरबी जो थी उसका प्रोविजन था, लेकिन अभी नई जो सीटीआरबी वो टाइप के सीटीआरबी जो है उसका प्रोविजन किया गया है। ये किसमें 25 टन की जो ट्रॉली है उसमें के टाइप की सीटीआरबी का प्रयोग किया गया है। तो एलएचबी का जो सीटीआरबी है उसकी जो ओवरहॉलिंग बियरिंग लाइफ है, ओवरहॉलिंग साइकिल है, वो कब की होती है, तो 12 लाख किलोमीटर या फिर आफ्टर एवरी 3 ईयर में हम इसकी ओवरहॉलिंग कर देनी है एलएचबी की जो सीटीआरबी है। वैगन में मैंने बताया कि आपको दो तरह की सीटीआरबी है, तो इनकी लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पैन कितना है, के टाइप की सीटीआरबी 16 लाख किलोमीटर है, जबकि ई क्लास की जो सीटीआरबी है वो 10 लाख किलोमीटर उसकी लाइफ साइकिल है। आईसीएफ में जो हमारी स्फेरिकल रोलर बियरिंग हो रही है इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 20 साल है। अब हम बात करते हैं इन सीटीआरबी में, इन बियरिंग में कितना ग्रीस यूज किया जाता है। तो एलएचबी में जो सीटीआरबी यूज की जा रही है इसमें 280 ग्राम का ग्रीस प्रयोग में लाया जा रहा है। आईसीएफ में सबसे ज्यादा ग्रीस यूज किया जाता है, 1.75 किलोग्राम का ग्रीस यूज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा किस में ग्रीस यूज किया जाता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आईसीएफ बियरिंग में, रोलर बियरिंग जो हमारी स्फेरिकल रोलर बियरिंग जो आईसीएफ में यूज की जा रही है। वैगन में जो सीटीआरबी यूज की जा रही है दो तरह की सीटीआरबी है, तो ग्रीस की क्वांटिटी भी अलग अलग है। के टाइप सीटीआरबी जो कि न्यू है इसमें 355 ग्राम का ग्रीस का प्रोविजन किया गया है। ई क्लास जो सीटीआरबी है ये टिमकन मेक जो कंपनी है, टिमकन मेक के द्वारा जो बनी सॉरी के टाइप जो सीटीआरबी है ये दो मैन्युफैक्चरर जो है ब्रैनको, इसमें 355 ग्राम का ग्रीस यूज किया जा रहा है, और टिमकन मेक अगर के टाइप की सीटीआरबी तो इसमें 284, और जो ई टाइप जो कि हमारी पुरानी टाइप की सीटीआरबी है जो अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही है, ये भी चल रही है, और ये जो के टाइप की है ये डिजाइन की गई है 25 टन के लिए। तो ई टाइप की जो सीटीआरबी है इसमें ग्रेस की जो क्वांटिटी है वो 400 प्लस माइनस 30 ग्राम होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेस की, हमने बात कर ली कि जो सीटीआरबी है, सीटीआरबी को एक्सेल पर लगाए रखने के लिए प्रेस माउंटेड होती है, उसको हमें लॉक करना होता है। देखो लॉकिंग प्लेट होती है, लॉकिंग प्लेट में हम स्क्रू या नट बोल्ट की सहायता से उसको टाइट करते हैं। तो ये जो नट या स्क्रू जो टाइट होते हैं प्रॉपर निर्धारित टॉर्क से टाइट किए जाते हैं, उन टॉर्क की मात्रा कितनी होती है तो इसको हम देखते हैं। एलएचबी में ये जो मात्रा है वो हमारा M20 का कैप स्क्रू यूज किया जाता है, जो 18 से 22 kg के टॉर्क से टाइट किया जाता है। अगर यही आईसीएफ होता तो आईसीएफ में दो तरह के बोल्ट का प्रोविजन है, M16 बोल्ट और M20 बोल्ट। M16 बोल्ट जो है वो 11 से 12 kgm के टॉर्क से टाइट होता है, और M20 15 से 16 के टॉर्क पर टाइट होता है, जबकि वैगन में जो हमारा 1 इंच 8 UNC कैप स्क्रू है ये 40 kgm के टॉर्क से टाइट होता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना, वैगन में जो टॉर्क रेंच है वो टॉर्क रेंच जो भी हम टॉर्क लेते हैं टॉर्क रेंच की सहायता से लेते हैं, तो वैगन में जो कैप स्क्रू होता है वो 40 kg के टॉर्क से टाइट होता है। एलएचबी में हमारा 18 से 22 kg से टाइट होता है। आईसीएफ में दो तरह के बोल्ट हैं, तो 11, 12 और 15, 16 के टॉर्क से टाइट होते हैं। अब हम बात करते हैं लेटरल प्ले, तो लेटरल प्ले कितना होता है। तो एलएचबी में जो सीटीआरबी यूज की जा रही है उसमें अगर वो हमारी सीटीआरबी पुरानी हो गई है तो 0.025 से 0.5 mm तक का लेटरल प्ले दिया गया है, और अगर वो सीटीआरबी नई है तो 0.025 से 0.33 mm का लेटरल प्ले दिया गया। अगर वैगन में हम बात करें तो 0.39 mm से अगर लेटरल प्ले की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सीटीआरबी को हमें लेटरल प्ले में रिजेक्ट कर देना है। अब हम बात करते हैं कि एलएचबी में जो
बम्प स्टॉपर लगाए गए हैं उनकी क्लियरेंस कितना होता है। तो लेटरल बम्प स्टॉप जो लगाया गया है इसका क्लियरेंस जो है 25 ± 5 mm होता है। लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप जो है 8 ± 5 - 2 mm होता है। सेकेंडरी बम्प स्टॉप लगाया गया है इसका क्लियरेंस 95 + 0 - जो डाय उसमें फेयर बोगी का जो डायग्राम देखा था हमने, उसमें बात करी थी कि इसमें कितने डैम्पर लगे होते हैं। तो एक ट्रॉली पर 9 डैम्पर का प्रोविजन किया गया है। कौन कौन से? 4 वर्टिकल प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर हैं, 2 सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर हैं, 2 यर डैम्पर और 1 लेटरल डैम्पर है। टोटल हमारे 9, और कोच में बात करेंगे तो टोटल 18 हो जाएंगे। ये डैम्पर क्यों लगाए गए हैं? तो सस्पेंशन ताकि अच्छा हो सके, शॉक एब्जॉर्वेशन अच्छा होगा। तो इनका दूसरा नाम, डैम्पर का नाम क्या होता है? शॉक एब्जर्वर, यानी जो भी कोच जब ट्रैक पर रन होता है तो व्हील और ट्रैक के इंटरेक्शन से कोच में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। उन वाइब्रेशन को, उन शॉक्स को एब्जॉर्व करने का काम डैम्पर का होता है या शॉक एब्जर्वर का होता है। इसलिए हमने देखा कि एक कोच में 18 डैम्पर लगाए गए हैं, जो कोच में होने वाले लेटरल और वर्टिकल जो डैम्पिंग है या ऑक्सीलेशन है इनको एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए LHB कोच में का जो राइडिंग इंडेक्स है या जो कंफर्ट है वो अच्छा होता है। तो देखिए, डैम्पर का काम है सस्पेंशन अच्छा करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना, कंफर्ट में इंप्रूवमेंट और राइडिंग इंडेक्स में इंप्रूवमेंट। अभी जो डैम्पर हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं। इनमें जो नट यूज किया जाता है, नट बोल्ट यूज किया जाता है, वो अलग अलग साइज के, तो उनको प्रॉपर टॉर्क से टाइट करना होता है। और इन डैम्पर का अलग अलग कलर होता है ताकि इनको इनकी पर्टिकुलर लोकेशन पर लगाया जा सके। इनके साइज भी अलग अलग होते हैं और इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है, इसलिए हमें इनको याद रखना है, जरूरी है। जितने भी LHB के कोच हैं उन सब में प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर तो सभी में सेम आता है, और इसका कलर जो होता है बेसाल्ट ग्रे कलर होता है। आप इसको भी याद रख सकते हैं। M16 का नट इसमें यूज होता है, 100 के टॉर्क से टाइट किया जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी बम्प स्टॉक वर्टिकल डैम्पर लगाए गए हैं, AC के लिए, नॉन AC के लिए अलग है और AC के लिए अलग है। नॉन AC के लिए ब्राउन रेड कलर लगाया जाता है, और जो AC के लिए है उसमें लाइट ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। M12 का नट बोल्ट है, 70 के टॉर्क से टाइट होता है। ये टॉर्क जो है वो केजी मीटर होगा। अगर एयर स्प्रिंग लगी है उसमें जो सेकेंडरी डैम्पर लगाया गया है, तो उसमें M12 का नट है, 70 kgm के टॉर्क से टाइट होगा। ब्लैक कलर का इसका कलर होगा, ब्लैक ब्लैक जो है इसमें बैंड लगा होगा, जिससे हमें आइडेंटिफाइड चल जाए, पता हो जाएगा कि एयर स्प्रिंग वाली हमें फीएट बोगी में लगाना है। और यही अगर हमारी एयर स्प्रिंग की जगह ऑयल कॉइल स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन यूज की जा रही है तो उसका कलर जो होगा बेसाल्ट ग्रे कलर होगा। योर डैम्पर का कलर हमेशा बेसाल्ट ग्रे कलर का होता है। तो बेसिकली आपने देखा, प्राइमरी डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर बेसाल्ट ग्रे कलर है, योर डैम्पर बेसाल्ट ग्रे कलर है, और यहाँ पर अलग अलग कलर का प्रोविजन किया गया है। तो बेसाल्ट ग्रे कलर कहाँ पर यूज किया गया है? ऑल कॉइल फेयर बोगी में यूज किया गया है, और AC और नॉन AC के हिसाब से AC में ग्रीन हो जाएगा, नॉन AC में ब्राउन रेड हो जाएगा। AC वाले लोग अच्छे होते हैं, उनका चेहरा चमकता हुआ होता है, तो जिसे हम चमकदार चेहरा लाइट ग्रीन मान सकते हैं। और नॉन AC में जो है उनका चेहरा थोड़ा सा डल होता है, हल्का सा ब्लैकिश वगैरह होता है, तो उसको हम ब्राउन रेड से याद कर सकते हैं। और एयर स्प्रिंग को भी हम इससे रिलेट कर सकते हैं। तो एयर स्प्रिंग में जो डैम्पर होगा हमारा सेकेंडरी, वो ब्लैक कलर का होता है। कलर इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एयर स्प्रिंग जो होते हैं, वो एयर स्प्रिंग भी अलग अलग साइज के होते हैं और अलग अलग जगह यूज की जाते हैं, अलग कोचेज में यूज की जाते हैं, इनके कलर भी अलग होते हैं। तो 180 किलो न्यूटन की जो एयर स्प्रिंग है वो EMU, DMU, MEMU इनके मोटर कोच में यूज की जाती है। इसका कलर जो होता है वो ग्रे कलर होता है। 150 किलो न्यूटन की जो एयर स्प्रिंग है वो ट्रेलर कोच में यूज की जाती है, जिसका कलर स्काई ब्लू होता है, ग्रे स्काई ब्लू रेड। 140 राजधानी मेन लाइन की जो कोचिंग है, कोचेज हैं, उसमें रेड कलर की एयर स्प्रिंग यूज की जाती है। और LHB में 120 किलो न्यूटन की लाइट ग्रीन कलर की एयर स्प्रिंग का प्रोविजन किया जाता है। आप इनको सीधे सीधे आपको इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि LHB में जो बायो टैंक यूज किया जाता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 1680 मीटर होती है। इसकी विड्थ 580 मीटर होती है। हाइट 547 होती है। टोटल टैंक का वॉल्यूम 600 लीटर होता है। वर्किंग वॉल्यूम 450 होता है। एम्प्टी टैंक जो है हमारा 120 किलोग्राम का होता है। फुल टैंक अगर भरा हुआ है तो 425 किलोग्राम होता है। इसकी रिलेबल हाइट 220 mm होती है। LHB कोच में WSP डिवाइस लगाई गई है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस। ये व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस कहाँ लगी है? जितने भी कोचेज हैं उन सब में लगाई गई है। इसमें फोनिक व्हील, जिसे रोटेटिंग गियर कहा जाता है, इसमें 80 टीथ लगाए गए हैं। फोनिक व्हील के हर एक्सल पर की स्पीड को
रिकॉर्ड करने का काम किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट लगा के हर एक्सेल की स्पीड को मेजरमेंट किया जाता है। एक WSP का एक वीडियो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है किस तरह से WSP काम करता है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन आप देख पा रहे होंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिए, WSP की वर्किंग आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से बात करते हैं कि इसमें कितने टीथ होते हैं। 80 टीथ दिए गए हैं फोनिक व्हील में। इनके बीच में फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर में कितना गैप होता है? अगर नॉर्ब रैम से कंपनी का है तो 0.4 से 1.4 होता है, फैबले कंपनी का है तो 1.5 प्लस माइनस 0.5 mm का हमारा किसके बीच का गैप है? फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच का गैप है। जो प्रेशर स्विच दिया गया है जिस पर WSP का जो हमारा माइक्रो प्रेशर है वो काम करता है, वो ऑन होता है, तो प्रेशर स्विच उसको ऑन करने का काम करता है। वो कितने प्रेशर पर ऑन करता है? नॉर्ब रैम से, तो यहाँ पर देखिए ब्रेम से है तो इसमें बीपी प्रेशर पे ये काम करता है। बीपी प्रेशर जैसे ही ब्रेक पाइप का प्रेशर 0.2 से 0.5 kg% में स्क्वायर होगा, प्रेशर स्विच हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा, माइक्रो प्रेशर को यूनिट माइक्रो प्रेशर को ऑन कर देगा। और जो सैब वैबको कंपनी है, सैब वैबको FP प्रेशर पर काम करता है। जैसे ही फीड पाइप का प्रेशर 1.5 से 1.7 kg% स्क्वायर होगा तो प्रेशर स्विच माइक्रो प्रेशर को ऑन कर देगा। WSP में बहुत सारे एरर कोड WSP के कोड दिए गए हैं, तो इनमें मेन मेन जो कोड है उनकी हम बात कर लेते हैं। अगर 4 बार 8 दिया गया है कोड आ रहा है तो इसका मतलब है सेगमेंट या डिस्प्ले टेस्ट के लिए इस कोड का यूज किया जाए। 89 अगर कोड आता है तो वो टेस्ट रन को बताता है। 99 अगर आता है तो जो हमारा WSP सिस्टम है वो पूरा अच्छी कंडीशन में, गुड इंडिकेशन हो जाएगा, वर्किंग सब सारा सिस्टम वर्क अच्छी तरह वर्क कर रहा है। अगर 72 कोड 72 हमें मिल रहा है तो इसका मतलब है WSP डिस्टर्बेंस है, कहाँ पर है? एक एक्सल पर है, या फिर एक एक जो हमारी एक एक्सेल पर दो ब्रेक डिस्क हैं उन ब्रेक डिस्क पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वन एक्सेल पर या हम वन व्हील सेट बोले। 73 अगर कोड आ रहा है तो WSP डिस्टरबेंस है सेवरल एक्सेस पर या सेवरल व्हील डिस्क पर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे मेन मेन एग्जाम के हिसाब से WSP कोड हो गए। प्रेशर टैंक LHB कोच में तीन प्रकार के बेसिकली प्रेशर टैंक यूज किया जाता है। 125 लीटर का ब्रेक एप्लीकेशन के यूज किया जाता है, 75 लीटर का डोर या CDTS के लिए यूज किया जाता है, डोर ऑब्लिक CDTS कंबाइंड डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, CDTS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, कंबाइंड डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ये अब इसको हटा के बायो टॉयलेट सिस्टम यूज किया गया, तो जिसमें ये हटा दिया गया है उसमें 75 लीटर टैंक को ब्रेक एप्लीकेशन में भी यूज में कर लिया जाता है। टॉयलेट में अगर यूज नहीं हो रहा है तो इसको हम डोर के लिए और ब्रेक एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। 6 लीटर का कंट्रोल रिजर्वायर होता है और 1 6 लीटर का जो हमारा है वो पार्किंग ब्रेक यानी जो पावर कार है उसमें TR टैंक के तरह से 6 लीटर का रिजर्वायर यूज किया जाता है, जो पार्किंग ब्रेक के लिए इंडिकेशन में काम में आता है। तो ये 6 प्रकार के 4 प्रकार के टैंक का प्रोविजन किया गया है। यही अगर हम बात करें तो वैगन में हमारा 100 लीटर का TR ऑक्सिलरी रिजर्वायर दिया गया है और 6 लीटर का हमारा एक कंट्रोल रिजर्वायर। TR की कैपेसिटी है 100 लीटर और CR की कैपेसिटी है 100 लीटर, तो है AR की और कंट्रोल रिजर्वायर की है 6 लीटर। इसके अलावा अगर वो हमारा BMBS वैगन है तो उसमें 6.6 लीटर का एक रिजर्वायर दिया गया है, वो APM के लिए दिया गया है। तो ये तो वैगन में हो गए। अगर हम ICF की बात करें तो ICF में हमारा 200 लीटर का AR टैंक दिया जाता है। तो इस तरह से ICF, LHB और हमने वैगन के जो प्रेशर टैंक है उनकी बात करी। अब हम बात करते हैं कि LHB का जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो कब कब होता है। तो LHB का जो मेंटेनेंस शेड्यूल, सबसे पहला मेंटेनेंस शेड्यूल ट्रिप शेड्यूल जिसे D1 बोला जाता है, मंथली शेड्यूल जिसे D2, 6 मंथ शेड्यूल या हाफ ईयरली शेड्यूल D3 बोला जाता है। तो ट्रिप शेड्यूल हर ट्रिप के बाद होगा, मंथली शेड्यूल 1 महीना प्लस माइनस 3 दिन हो जाएगा, 6 मंथ यानी हाफ ईयरली 180 दिन प्लस माइनस 15 दिन हो जाएगा। उसके बाद SS1, SS2, SS3। SS1 हो जाएगा 18 महीने या 6 लाख किलोमीटर जो भी इनमें पहले हो जाए। SS2 हो जाएगा उसका डबल, 36 महीने या उसका 12 किलोमीटर जो भी पहले हो जाए, 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो जाए। SS3 36 का डबल, 72 महीने या फिर 12 लाख का 24 लाख किलोमीटर इनमें जो भी पहले हो जाए, उस हिसाब से हमें ये करना है। तो जो SS1 है जो ये हैं ये हमारे कहाँ पर होंगे? ये हमारे वर्कशॉप में होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो CBC से रिलेटेड जो चीज़ रह गई है LHB की, उनकी अब बात कर लेते हैं। तो CBC हाइट कितनी होती है? वैगन में हमने देखा या ICF में देखा तो 1105 mm मैक्सिमम CBC हाइट है और 1090 मिनिमम CBC हाइट है। ये कब है? टेयर कंडीशन में है। इसी तरह से अगर लोडेड में बात करें तो वैगन में 1030 mm हमारी जो हाइट है वो लोडेड कंडीशन के लिए है। तो CBC LHB में भी देखिए 1105 mm और 1095, यहाँ 1090 की जगह 1095 का यूज किया गया है, लेकिन
किसके लिए है? जब वो कोच प्रोडक्शन यूनिट ने बनाया हो। प्रोडक्शन यूनिट से जब कोच निकलेगा तो उस वक्त उसकी सीवीसी हाइट है वो 1095 से 1105 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन अगर वही वर्कशॉप में आ जाएगा, वर्कशॉप में अगर सीवीसी हाइट हम नापेंगे 1105 से 1090, तो आपको यहाँ कन्फ्यूज होने की वो नहीं है कि 1095 कब होगी। 1095 तब है जब कोच प्रोडक्शन यूनिट से यानी बिल्कुल नया कंपनी से बनकर आ रहा है, तो वहाँ पर सीबीसी हाइट जो है वो 1095 से 1105 के बीच में होनी चाहिए। 1095 मिनिमम हो जाएगी और मैक्सिमम हो जाएगी 1105। और यही अगर वर्कशॉप है या अगर हम बात करें कि हमारा एन रोड में कहीं नापते हैं, तो उस दौरान हमारी एम्प्टी कंडीशन में 1090 से 1105 में होनी चाहिए और लोडेड कंडीशन में 1030 हमारी सीबीसी हाइट होनी चाहिए। मैक्सिमम सीवीसी हाइट में जो ड्रॉप सीवीसी हाइट के लिए एलएचबी में पैकिंग का प्रोविजन किया गया है, तो वैगन में भी पैकिंग का प्रोविजन है, आईसेप में पैकिंग का प्रोविजन है। तो वैगन में हमारी 12 mm की पैकिंग और 37 mm की पैकिंग दो ही पैकिंग का प्रयोग किया गया है, जबकि एलएचबी में हमारी 5 mm की सिम, 5 mm मोटी सिम का प्रयोग किया गया है जो सीवीसी हाइट को मेंटेन करने में, और मैक्सिमम 8 नंबर एक तरफ हम इनको लगा सकते हैं। ठीक है, सीवीसी हाइट में मैक्सिमम कितना ड्रॉप परमिशेबल है, वो 75 mm पर परमिशेबल है। सीवीसी के नीचे एक सपोर्टिंग डिवाइस लगाई जाए, तो सपोर्टिंग डिवाइस की हाइट कितनी होती है, 187.5 mm होती है। इसका एंटी रोटेशन लग वैगन में जैसे 210 × 10 × 16 × 16 होता है, तो यही एलएचबी का हो गया। बियरिंग पीस का स्लॉट 17.5 होता है, बिल्कुल वैगन के लिए हो गया। एलएचबी में जो सीवीसी यूज किया जा रहा है वो ए ए आर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेलरोड एस टाइप टाइट लॉक कपलर का प्रोविजन किया गया है, जबकि वैगन में AAR E/F टाइप का E/F टाइप का कपलर यूज किया गया है। किसमें? ये वैगन में है। और ICF में क्या हो जाता है, ICF में स्क्रू कपलिंग का प्रोविजन किया जाता है, जबकि अगर हमारा डेमो है उसमें सेकू कपलर का प्रोविजन किया गया है। SDV स्लैक लेस ड्रॉवर ये BLC वैगन में प्रयोग किया जाता है, स्लैकलेस ड्रॉवर BLC वैगन में प्रयोग किया जाता है। सेकू कपलर हमने देख लिया डेमो में यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन किस तरह से पता चलेगा कि कोच में ARS टाइप टाइट लॉक कपलर लगाया गया है, तो कोच के एंड पर येलो स्ट्रिप बनाई जाती है और कोच के नंबर के बाद सी, जैसे एक नंबर लिखा 10313 यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो ये सी किसके लिए है, ये टाइट लॉक एस टाइप टाइट लॉक कपलर की को बताता है कि इस कोच में एच टाइप टाइट लॉक कपलर यूज किया गया है। ड्राफ्ट गियर किस तरह से लगाया गया है, तो बैलेंस टाइप का ड्राफ्ट गियर का प्रोविजन किया गया है LHB कोच में। अब देखिए CBC जो इसमें लगाया गया है, CBC के नीचे सपोर्टिंग डिवाइस लगाई गई है, हाइट एडजस्ट सपोर्टिंग इसकी 127.5 मैंने आपको बताई। CBC ये CBC इस तरह से रखा हुआ, तो CBC लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और लेफ्ट दाएं बाएं हो सकता है, तो ये दाएं बाएं जो होगा इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल गैदरिंग, और ऊपर नीचे जो सीबीसी हो सकता है उसको बोलेंगे वर्टिकल गैदरिंग। तो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग कितनी होती है, वो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग है ±110, यानी 110 इधर हो सकता है और 110 इधर हो सकता है, जबकि वर्टिकल गैदरिंग 90 ±90, ऊपर भी 90 mm जा सकता है और नीचे भी 90 mm ये हो सकता है। तो जब सीबीसी कोच के सीबीसी को दूसरे कोच के सीबीसी या पावर कार से जब कपल करना होता है, तो ये गैदरिंग हमें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सीबीसी को कपल करने में काम आती है। अब हम बात करते हैं कि जो सीबीसी का जो कंप्रेसिव स्ट्रोक है या जो ड्राफ्ट गियर का कंप्रेसिव या बफिंग स्ट्रोक है वो कितना होता है, 90 mm होता है। और अगर यही हमारा टेंसाइल या ड्राफ्ट स्ट्रोक जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 58 mm हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीसी का कंप्रेसिव स्ट्रोक कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 mm। सीबीसी का टेंसाइल स्ट्रोक कितना है, वो हो जाएगा 58 mm। सीबीसी की वर्टिकल गैदरिंग कितनी हो जाएगी, वो जाएगी ±90 mm। सीबीसी की हॉरिजॉन्टल गैदरिंग कितनी होगी, तो वो हो जाएगी ±110 mm। सीबीसी की सपोर्टिंग डिवाइस जो लगाई गई, सपोर्टिंग डिवाइस की ऊंचाई कितनी है, 187.5 है। सीबीसी को किस टाइप का है, ARS टाइप टाइट लॉक कपलर लगाया है। पहचान के लिए कोच के एंड पर येलो स्ट्रिप का प्रोविजन किया गया है, कोच नंबर के बाद में सी का प्रोविजन किया गया। वैगन में किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, वैगन में E/F टाइप का कपलर यूज किया जाता है। सेकू कपलर किस में प्रयोग किया जाता है, सेकू कपलर मेमो डेमो में प्रयोग किया जाता है। BLC में किस प्रकार का कपलर यूज किया जाता है, BLC में स्लैकलेस ड्रॉवर कपलर यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो स्प्रिंग दी गई है, अगर स्प्रिंग टूट जाती है तो स्प्रिंग टूट जाने पे स्पीड रिएक्शन कितना होता है, तो अलग अलग
स्टॉक के लिए अलग अलग है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। स्पीड रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सस्पेंशन जो होता है वहाँ पर हमारी प्राइमरी स्प्रिंग लगी होती है और सेकेंडरी सस्पेंशन में सेकेंडरी स्प्रिंग लगी होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, प्राइमरी सस्पेंशन की बात की गई है, किसमें बात की गई है, ICF और हाइब्रिड कोच। ICF कोच में ऑल कॉइल स्प्रिंग का यूज किया जाता है और हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी सेकेंडरी सस्पेंशन में एयर स्प्रिंग होगी और प्राइमरी में हमारी स्प्रिंग यूज की, जबकि ICF प्योर हमारा जो होगा वो सेकेंडरी में भी कॉइल स्प्रिंग होगी और प्राइमरी में भी कॉइल स्प्रिंग होगी। तो ICF कोच है, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे हमारा प्योर ICF हो, और उसके प्राइमरी सस्पेंशन की जो स्प्रिंग है अगर वो हमारी ब्रोकन होती है, ठीक है, ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, ICF या हाइब्रिड कोच की प्राइमरी सस्पेंशन की प्राइमरी स्प्रिंग अगर ब्रोकन होती है, तो उस कोच को हम ICF कोच को 100 km/h की स्पीड से स्पीड रेस्ट्रिक्शन के साथ मूव करा सकते हैं, यानी रन करा सकते हैं, ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम ट्रेन को चला सकते हैं अगर उसकी प्राइमरी सस्पेंशन की स्प्रिंग टूट गई है। केवल एक ही स्प्रिंग टूटी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से LHB कोच में अगर प्राइमरी सस्पेंशन में जो आउटर क्वाइल टूटी है और उसका एक क्वाइल ही टूटा हो, चाहे ऊपर का पहला वाला क्वाइल टूटी हो चाहे नीचे की बॉटम से पहली क्वाइल टूटी हो, बीच में नहीं टूटनी चाहिए, पहले क्वाइल, पहला जो उसके क्वाइल है वो टूटा हो और एक ही पूरे कोच में एक ही प्राइमरी आउटर क्वाइल टूटी हो, तो उस कोच को हम 95 km/h की स्पीड से TXR के एस्कॉर्टिंग के साथ चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सस्पेंशन में अगर हमारी आउटर कॉइल स्प्रिंग टूट जाए, तो उस केस में हम कोच को 90 km/h की स्पीड से चला सकते हैं। एयर स्प्रिंग है वो हमारी हैवी लीकेज है या उसमें डिफ्लेक्टेड हो गया, यानी बस्ट हो गई है स्प्रिंग, तो वहाँ पर हम कोच को 60 km/h की स्पीड से 1000 किलोमीटर तक, अप टू 1000 किलोमीटर तक उसको हम रन करा सकते हैं। तो इस ये चार स्पीड रेस्ट्रिक्शन देखें, इसके बाद एक और रेस्ट्रिक्शन है बोलस्टा स्प्रिंग। ICF कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन जो है उसमें अगर हमारी बोलस्टा स्प्रिंग टूट जाती है, तो उसके चलाने का कोई प्रोविजन है, यानी अगर हम ICF कोच में सेकेंडरी सस्पेंशन की स्प्रिंग अगर टूट जाती है, तो कोच को हमें डिटैच करना होगा, नॉट अलाउड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोच को हमें डिटैच करना होगा। अभी इस एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि LHB कोच की अगर प्राइमरी सस्पेंशन की प्राइमरी स्प्रिंग, आउटर प्राइमरी स्प्रिंग टूट जाती है, तो स्पीड रेस्ट्रिक्शन कितने का होगा, 95 km/h का होगा, TXR की एस्कॉर्टिंग होगी, ठीक है। अब LHB कोच में कुछ वाटर टैंक लगाए गए हैं, तो तीन तरह के वाटर टैंक हैं, तीनों ही टैंक स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। पहले टैंक की कैपेसिटी है 650 लीटर, दूसरे टैंक की 450 लीटर और 30 लीटर। 30 लीटर का जो टैंक है वो कोच के अंदर लगाया जाता है ऊपर, ठीक है, कोच की रूफ के पास में लगाया जाता है, कोच के अंदर लगेगा, और बाकी दोनों जो टैंक हैं कोच के अंडर फ्रेम में लगाए जाएंगे, ठीक है। कोच के अंडर फ्रेम में पैसेंजर 685 लीटर का पैसेंजर कोच में लगेगा और 450 लीटर का जनरेटर कार में लगा होगा। इनकी डायमेंशन, लेंथ, डायमीटर मैंने यहाँ लिख रखा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ICF कोच AC कोच है, उसमें 40 लीटर का टैंक लगाया गया, ये भी हमारा रूफ के पास लगाया जाता है। LHB में जो नॉन LHB कोच है, नॉन LHB में जो नॉन AC कोच है, उनमें 385 लीटर और 365 लीटर के रिजर्व वाटर टैंक का प्रोविजन किया गया है। अब आप देखिए कि फायर एक्सटिंग्विशर, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोविजन ऑफ ड्राई केमिकल, किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर LHB कोच में यूज किया जाता है, तो DCP ड्राई केमिकल पाउडर, DCP टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है, जिसको एक साल में हमें रिफिल्ड करना होता है, एक साल में हमें उसको दोबारा से फिल करवाना ही है, भरवाना ही है। अब ये कितने कितने लगे होते हैं, जितने भी जनरेटर कार को छोड़कर जितने भी LHB के कोच हैं, चाहे वो AC हो, नॉन AC हो, ब्रेक वैन हो, पैंटी कार हो, सभी तरह के LHB कोचेज में दो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोविजन किया गया है। चार का प्रोविजन कहाँ पर है, केवल और केवल जनरेटर कार में चार DCP टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोविजन किया गया है। तो हमें इसी को याद रखना है कि चार फायर एक्सटिंग्विशर जनरेटर कार में लगे होते हैं, बाकी जो भी कोचेज हैं उन सब में, चाहे वो पैंटी कार हो, चाहे ब्रेक वैन हो, फ्रंट SLR हो, रियर SLR हो, AC कोच हो, नॉन AC कोच हो, किसी भी तरह का कोच हो, LHB होना चाहिए, उसमें दो
नंबर डीसीपी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं। और एलएचबी कोच में कितनी इमरजेंसी विंडो का प्रोविजन किया गया है, तो 4 इमरजेंसी विंडो का प्रोविजन भी एलएचबी कोच में किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि एयर स्प्रिंग एलएचबी कोच में एयर स्प्रिंग भी लगाई जाती है, आईसीएफ में भी लगाई जाती है। तो जो एयर स्प्रिंग लगाई गई है वो किस लिए लगाई गई है, टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बफर हाइट, बफर हाइट मेंटेन करने के लिए। एयर स्प्रिंग हाइट कितनी लगाई गई, जो आईसीएफ है उसमें 260 प्लस 0 माइनस 5 एमएम की हाइट, एयर स्प्रिंग की हाइट है। डुप्लेक्स वाल्व किस पर ऑपरेट होता है, 1.5 केजी परसेंट स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस पर डुप्लेक्स वाल्व ऑपरेट हो जाता है। दो एयर स्प्रिंग लगी होती हैं एक बोगी में, उन दोनों में जैसे ही 1.5 केजी परसेंट स्क्वायर का प्रेशर डिफरेंस होगा डुप्लेक्स वाल्व ऑपरेट हो जाएगा। लेवलिंग वाल्व को हाइट कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं, ये हार्ट ऑफ द एयर सस्पेंशन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एयर स्प्रिंग का हृदय कौन है, एयर स्प्रिंग का हार्ट कौन है, तो वो लेवलिंग वाल्व होता है। इसकी जो हाइट है वो कितनी रखनी होती है, 315 प्लस माइनस 25 mm रखनी होती है। इंस्टॉलेशन लीवर की रॉड की लंबाई कितनी होती है, 160 mm होती है। फीवा कब ऑपरेट होता है, 1.0 प्लस माइनस 0.1 केजी परसेंट स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होने पर, किसी भी एयर स्प्रिंग में अगर इतना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो फीवा ऑपरेट हो जाएगा। फीवा ऑपरेट होने से ब्रेक एप्लीकेशन होता है, एक ऑडियो विजुअल अलार्म सिग्नल प्राप्त होता है। स्पीड रिस्ट्रिक्शन, अगर एयर स्प्रिंग बस्ट या लीकेज होती है तो 60 km/h की स्पीड से 1000 किलोमीटर तक हम फोज को रन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एलएचबी में आईसीएफ में जो पाइप यूज किए जाते हैं उनके साइज कितने होते हैं। तो एलएचबी में जो मेन पाइप या जिसे हम ट्रेन पाइप कहते हैं बीपीएफपी का जो होता है, उसका बोर साइज तो 25 mm होता है और उसका आउटर डाया 28 mm होता है। यानी अगर आउटर डाया पूछा जा रहा है तो 28 mm होगा और बोर साइज पूछा जाएगा तो 25 mm हो जाएगा। ये कौन से पाइप हैं, जो मेन पाइप हैं बीपी और एफपी के, ठीक है। इसके अलावा 22 mm आउटर डाया का पाइप यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज लगा होता है, ये जो एआर टैंक है और डीवी है, मेन पाइप से एआर टैंक और डीवी को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो 22 mm के आउटर डाया से के पाइप से कनेक्ट किया जाता है। जबकि वैगन में जो बीपी और एफपी के मेन पाइप हैं ये 32 mm डाया के होते हैं। इसमें वैगन में जो ब्रांच पाइप लगा होता है ये 20 mm का होता है। यानी वैगन में देखा जाए तो 32 mm और 20 mm का यूज किया जाता है। आईसीएफ में 25 mm का हमारा बीपी और एफपी का पाइप होता है। एलएचबी में भी देखें हम 25 बोर साइज अगर पूछा जाए तो 25 mm का होगा और आउटर डाया पूछा जाएगा तो 28 mm होगा। एलएचबी में दो तरह के पाइप और यूज किए जाते हैं, ब्रेक सिलेंडर लाइन ब्रांच पाइप, तो 18 mm आउटर डाया होता है, और ब्रेक इंडिकेटर, जितने भी ब्रेक इंडिकेटर हैं उनके लिए 10 mm का, इनकी थिकनेस भी 1 mm दी गई है, इसकी थिकनेस 1.5। ये हमारे बीसी लाइन ब्रांच पाइप है और ब्रेक इंडिकेटर पाइप है। इसमें एक कंपोनेंट यूज किया जाता है, ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर क्या होता है, कहाँ पे कनेक्ट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बीपी लाइन से कनेक्ट होता है। इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, हर कोच में, पूरे रैक के हर कोच में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाइड हो जाए एक साथ, इसलिए इस ब्रेक एक्सीलेटर हर कोच के नीचे लगाया जाता है। एक एक कोच में एक ब्रेक एक्सीलेटर होता है, बीपी लाइन से कनेक्ट होता है। कब काम करता है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन पर काम करता है। मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड कब है एक्चुएट होने के लिए, 5 केजी के प्रेशर से 3.2 केजी का प्रेशर जैसे होता है 3 सेकंड में, तो ये ऑपरेट हो जाएगा, इससे प्रेशर निकलने लगेगा और पूरे रैक के सभी कोचेज में ब्रेक एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन एक साथ हो जाएगा। ये कब बंद कर देगा काम करना, अगर बीपी प्रेशर जो हमारा है 2.5 से 1 केजी के बीच में अगर हमारा प्रेशर आ जाता है ब्रेक पाइप का, तो ये प्रेशर को एग्जॉस्ट करना बंद कर देगा। तो ये ब्रेक एक्सीलेटर का काम हुआ। देखिए एलएचबी में कई प्रकार की बोगी यूज की जाते हैं और उनमें जो स्प्रिंग यूज की जा रहे हैं उनके भी कलर कोड दिए गए हैं। तो एलएचबी में जो एलएसीसीएन, जिसकी हमने जो हाइट है वो हमने देखी, इसकी हाइट जो थी वो 4002, इसकी जो हाइट थी वो हमने देखी, जो हमने हाइट देखी वो एलएसीसीएन की 4250 mm हाइट थी। तो इसको छोड़कर जितने भी कोच हैं, ये हाइट जो है 4250 किसकी है, इसकी है। तो इस कोच को छोड़ के, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंस है, इसकी हाइट अलग है और यहाँ पर इसमें स्प्रिंग जो लगे हैं वो भी अलग है। तो देखिए इसमें जो स्प्रिंग लगी हुई हैं एलएसीसीएन को छोड़कर जितने भी कोच हैं उन सब में, जो प्राइमरी स्प्रिंग में इनर और आउटर है वो भी ग्रीन है, सेकेंडरी में इनर आउटर वो भी ग्रीन है, यानी इसकी सभी स्प्रिंग ग्रीन है। एलएसीसीएन जो कोच है इसमें जो, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया गया है, जो इनर स्प्रिंग है प्राइमरी सस्पेंशन की वो येलो कर दी गई है और सेकेंडरी सस्पेंशन की आउटर स्प्रिंग
येलो कर दी गई है, बाकी ग्रीन ही रखी गई। तो ये LACCN में डिफरेंस हो गया। इसके अलावा जो सेकेंडरी कोच हैं, LSB सेकेंड क्लास कोच, LHB सेकेंड क्लास चेयर कार, LHB सेकेंड क्लास थ्री टीयर कोच, इन सब में जो स्प्रिंग लगाई गई है वो ब्लैक कलर की लगाई गई है। अगर इसका भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाके आप उस लिंक वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इसको लर्न याद करने की ट्रिक भी बताई हुई है, आप उस वीडियो को देख के इसको याद कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम के हिसाब से इसको केवल डेटा की बात कर रहे हैं और आप इसको एज इट इज लर्न करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पावर कार है, गार्ड कम पावर कार है, उसमें लगेज लगेज होगा और हमारा गार्ड गार्ड साइड होगा। तो गार्ड साइड जो है उसमें इनर और आउटर प्राइमरी सस्पेंशन की येलो होगी और सेकेंडरी सस्पेंशन ब्लू कलर का होगा, जबकि लगेज लगेज में पूरा येलो स्प्रिंग हो, चाहे वो इनर हो आउटर हो प्राइमरी सस्पेंशन की, चाहे सेकेंडरी की इनर आउटर हो, पूरी जो हमारी ट्रॉली की जो स्प्रिंग है वो लगेज साइड की जो ट्रॉली है वो पूरी हमारी उसकी स्प्रिंग कलर कोडिंग येलो होगी। ठीक है, अब ये ट्रॉली है जो किस टाइप की होती है, जो LHB की सेकेंड क्लास थ्री टीयर जो बोगी है उसमें ए टाइप की बोगी यूज की जाती है, LHB वेस्टिबल एयर कंडीशन टू टीयर जो कोच है उसमें बी टाइप की बोगी का यूज किया गया है, LHB वेस्टिबल एयर कंडीशन थ्री टीयर जो कोच है उसमें जो बोगी यूज की जाती है वो सी टाइप बोगी यूज की जाती है। उसका कोड जो है पावर कार जो है उसमें डी ऑब्लिक ई टाइप की, डी किसके लिए हो जाएगी, गार्ड साइड लगेज टाइप, दो तरह के हैं तो इसमें इसलिए बोगी टाइप ये हो जाएगा। एयर स्प्रिंग वाले को AY नाम दिया गया है और इस तरह से ये हमारी बोगी टाइप कोड दिया गया है। अब हम बात करते हैं LHB कोच में जो साइड बॉल्स हैं, रूफ हैं, वो किस मटेरियल के बने होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे साइड बॉल, एंड बॉल, रूफ स्ट्रक्चर, ये हमारे फेरेटिक स्टील के बने होते हैं, जिसे SS409M इसका कोड है। साइड बॉल के लिए जो सीट लगाई गई है वो 2 mm थिकनेस की लगाई गई, रूफ जो आर्चर है वो भी 2 mm का लगाया गया, यानी साइड वॉल और रूफ आर्चर 2 mm की थिक सीट से बनाया गया है। रूफ सीट जो है वो ट्रफ फ्लोर, रूफ सीट यानी छत छत की सीट और ट्रफ फ्लोर, यहाँ पर रूफ स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, रूफ की बात नहीं हो रही है, रूफ स्ट्रक्चर जिसमें रूफ सीट लगाई जाएगी और यहाँ पर ट्रफ फ्लोर की बात हो रही थी। तो ये फर्श हो गया और ये रूफ सीट हो गई, तो ये ऑथेंटिक स्टील SS304 का बना हुआ है। रूफ सीट कितने की होगी, 1.25 mm से 1.75 mm के बीच में रूफ सीट का प्रयोग हो सकता है, 1.25 mm और 1.7 mm की रूफ सीट लगी होगी। अंडर फ्रेम जो होगा, अंडर फ्रेम हमारा जो होगा वो किसका बना, अंडर फ्रेम और सोलवार जो होगा वो कॉटन स्टील का बना होगा, IR SM41। सोलवार की जो थिकनेस है वो 6 mm की होगी। आपको इसको याद करने के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, सर्फ फार दो कोने से, सर्फ फर्दो कोने से, सर्फ साइड वॉल एंड वॉल रूफ किसकी बनी होगी, फारेटिक स्टील की, फ्लोर रूफ ऑस्थेनेटिक स्टील की, कॉटन स्टील से क्या बना होगा, सोलवार बना होगा और अंडर फ्रेम बना होगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि क्या चीज़ किससे बनी होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।